वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज असी पहुंचे हाँ गुरद्वारा श्री कलगीधर साहिब पातशाही दसवीं पिंड बहलोलपुर विखे। अज तुहानू इत्थों दे इतिहास बारे दसांगे ते गुरद्वारा साहिब दे दर्शन करवावांगे। सिख इतिहास नाल संबंधित होर वीडियो देखण लई पेज नूं फॉलो कर लेना जी। ते जेकर थोड़े इलाके विच भी कोई इतिहासिक गुरद्वारा साहिब है उत्थों दी ब्लॉगिंग करवाउण लई तुसीं साडे नाल संपर्क कर सकते हो। आओ हुण जाणदे हां गुरद्वारा कलगीधर साहिब दे इतिहास बारे। जिवें आपां पिछलियां वीडियोस विच जाणिया है कि धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज चमकौर साहिब तों जंड साहिब पहुंचे सन। जदों गुरु जी जंड साहिब तों कीड़ी पगाना हुंदे होए बहलोलपुर इस अस्थान ते पहुंचे सन। इस अस्थान उत्ते पूर्ण मसंद नगीने खत्री दा घर हुंदा सी। मसंद ओह हुंदे सन जो पिंडां विच्चों दसवंद इकट्ठा करके गुरु जी कोल आनंदपुर साहिब लेके जाया करदे सन। संगतां तों माया जां कुछ होर रसदां इकट्ठियां करके आनंदपुर साहिब लैके जाणा मसंदां दी जिम्मेवारी हुंदी सी। पूर्ण मसंद जो पिंड बहलोलपुर दा वासी सी ओह इस नगर विच्चों संगतां तों दसवंद इकट्ठा करके आनंदपुर साहिब लेके जाया करदा सी। इतिहास मुताबक ओह गुरु जी नाल घोड़ियां दा व्यापार भी करदा हुंदा सी ते ओह अक्सर गुरु जी नूं कहिंदा हुंदा सी कि साडे घरे चरण पायो ते सानू भी दर्शन दिओ। जदों धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज चमकौर साहिब दे युद्ध तों बाद माछीवाड़ा साहिब नूं जांदे होए पिंड बहलोलपुर पूर्ण मसंद नगीने खत्री दे घर पहुंचे तां नगीने खत्री दा इक नौकर जिसदा नाम जीउणा हुंदा सी। जदों गुरु जी ने उस नौकर जीउणे नूं पूर्ण मसंद नगीने खत्री नूं बुलाउण लई कहा। पूर्ण मसंद चवारे उत्ते रहिंदा सी ते थल्ले मज्जां रखियां होईयां सन। जदों ओह नौकर चवारे उत्ते जांदा है पूर्ण मसंद दा दरवाजा खड़काउंदा है ते दसदा है कि आनंदपुर साहिब वाले गुरु जी आए हन। उस समय दी जालम सरकार मुगल सरकार दे डर तों नगीने खत्री ने नौकर जीउणे नूं कह दिता कि गुरु जी नूं कह देवे कि ओह घरे नहीं है। गुरु जी तां जानी जान सन अकाल पुरख दा रूप सन। जदों ओह इस पिंड तों झाड़ साहिब वल नूं चाले पाउण लगे इह देख के नौकर जीउणे दे दिल नूं बड़ी ठेस पहुंची। उस नूं धक्का लगा के पूर्ण मसंद ने हुण तक गुरु घर दा खा के किन्नी जायदाद बना ली है। उसने हुण तक गुरु घर दी माया खा खा के किन्ना कुछ बना लिया है। पर जदों अज गुरु जी नूं लोड़ पई उन्हां उत्ते माड़ा वक्त चल रहा है। इसने दरवाजा भी नहीं खोलिया। उस नूं बड़ा अफसोस लगा। जदों गुरु जी ने बहलोलपुर तों झाड़ साहिब वल नूं चाले पाए तां नौकर जीउणे ने एक मिट्टी दी टिंड विच तोड़ी विच कुछ अग पा लई क्योंकि पौधा महीना सी कड़ाके दी ठंड पै रही सी ते ओह तोड़ी विच अग पा के गुरु जी दे पिछे पिछे तुरदा रहा। कुछ इतिहासकार ए भी दसदे हन कि गुरु जी ने उसे ही टिंड दा सराणा माछीवाड़े साहिब दे जंगलां विच लगाया सी ते फिर गुरु जी इस स्थान तों झाड़ साहिब हुंदे होए माछीवाड़ा साहिब पहुंचे सन। अज इस स्थान ते गुरद्वारा कलगीधर साहिब स्थित है। ਇਹ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।